शिक्षा मित्र अनुदेशक और जितने संविदा कर्मी हैं, ये हालत है कि ना हम घर के रह गए ना हम घाट के रह गए। जवानी पूरी निकाल दिया सरकार के कामकाज में, उसके बाद भी स्थिति ये है सर कि कहीं के नहीं रह गए। न बच्चों के लिए कर पाए, न पत्नी के लिए कर पाए, न समाज के लिए कर पाए। विद्यालय में भी आजकल कोई अगर सांत्वना भी देता तो लगता है कि बहुत हेय दृष्टि से हमें देख रहा है। आखिर कारण क्या है इन सब चीजों का? सबसे पहले सर, जब हाईकोर्ट से समायोजन रद्द हुआ था तो माननीय योगी जी जब सांसद थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, सबसे पहला वक्तव्य इन्होंने दिया था कि जो है सर कि सरकार के पास में 50 रास्ते होते हैं अगर उसके जेहन में कार्य करने की मंशा हो तो। लेकिन आज तक हमारी समझ में नहीं आया, लगभग 6 साल होने वाले हैं सरकार को, आखिर हम लोगों से कहां से क्या दोष है? जब समायोजन रद्द हुआ सर तो 17,000 रुपए का शासनादेश हुआ, फिर पता नहीं अंदर की क्या स्थिति हो गई, जो 17,000 का शासनादेश रद्द करके 10,000 पे लाके पटक दिया, वो भी मात्र 11 माह के लिए। आप अच्छी तरह जानते हैं सर 10,000 रुपए में क्या होता है, कैसे जीवन यापन होता है। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जो सर उनके पास एक भी दीवार का दीवार नहीं है, फूस की दीवार में रहते हैं, फूस के छप्पर में रहते हैं, फूस की दीवार है, फूस का छत है, अपने बच्चों के साथ किसी तरह से गुजारा करते हैं। उनका सर पर डे एक नया सवेरा होता है कि आज जो है सरकार से कुछ अच्छी उम्मीदें हैं, उम्मीद जो लगा के बैठे हैं कि आज कुछ अच्छा होगा, आज कुछ अच्छा होगा, आज कुछ अच्छा होगा। एक नई सुबह जो आती है वो एक उम्मीद के सहारे आती है और रात तक वो बस उम्मीदें के सहारे में कट जाता है। आखिर सर ये कब तक ऐसे होता रहेगा? इतने सारे वार्ता हो चुके, इतनी बार सरकार से वार्ता हो चुकी। पूछूंगा उदयभान सिंह के सवाल पर, मैं पूछूंगा आखिर कब आएगा वो नया सवेरा, या फिर इसी तरीके से कटती रहेंगी रातें और वो अंधकार में जीवन आगे बढ़ेगा। मैं सुरेंद्र सर से पूछूंगा, सुरेंद्र सर पटनायक ने नायक का काम किया है, बाकी नायक सब ढेर हो गए, एक ही आदेश में सब ढेर हो गए, ना कोई नायक है, नायक तो केवल सिर्फ और सिर्फ नवीन पटनायक है जिसने संविदा का पद ही समाप्त कर दिया। ये अच्छी बात है और पटनायक जी को बधाई दी जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में ये संविदा की स्थिति समाप्त होनी चाहिए। मुझे याद आता है कि बहुत साल पहले संविदा पर लोग अगर रखे जाते थे तो पहली बात तो सरकार की ओर से रखे जाते थे और वो 7-6 महीने बाद फिर रेगुलर जॉब में उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता था। ये खेल बाद में शुरू हुआ कि संविदा पर नियुक्त कर दीजिए और फिर उनको परमानेंट जॉब मत दीजिए। फिर एक खेल नया शुरू हुआ कि संविदा भी सरकार के बजाय जो किसी न किसी प्राइवेट ठेकेदार को दे दी गई और वो अपने टर्म्स पर डिक्टेट करता रहा, और अगर वो 8,000 वेतन दे रहा तो 1,000 रुपये उस पर कमीशन खा रहा, या उसने पहले ही जब नौकरी दी थी तब एक मोटी रकम वसूली। देखिए आप, हम लोग बहुत चर्चा करते हैं लेकिन आप एक स्थिति से तुलना कीजिए जिससे पता चलता कि हाँ इन लोगों का दर्द वाकई ऐसा है जो शर्मिंदगी वाला है। जो ये मजदूर है जो दिहाड़ी, उसकी दिहाड़ी 400 रुपये रोज है, मतलब यूपी का मुझे मालूम, अन्य जगहों पता नहीं कितनी है,